1, 2, 3. Come on. आपके सवाल हो गए। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे क्या, हम बालिका यूनिवर्सिटी के बारे में बेस्ट कॉलेज रिव्यू होगा, क्योंकि सारी जानकारी कहां से ली गई है गाइस, सारी जानकारियां कुछ गूगल से ली गई हैं, कुछ अपने दोस्तों जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं जो मैंने पिछले साल जिनको पढ़ाया है उनसे सारी जानकारियां ली गई हैं गाइस। ठीक है, तो देखो यार इस कॉलेज के बारे में सब कुछ बात करेंगे, एडमिशन कैसे ले सकते हो, कट ऑफ क्या जाता है, क्या रैंकिंग है इस कॉलेज की, क्या मतलब इस कॉलेज का परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले साल, प्लेसमेंट कैसी कैसी कंपनी लीड करती है, सारे सब कुछ बात करने वाले हैं। देखो बालिका यूनिवर्सिटी पर देख लो यार, कॉलेज बहुत ही खूबसूरत कैंपस है यहाँ का। ठीक है, अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कुछ पढ़ाते रहकर बात नहीं करूँगा, जो रियलिटी है वही बात करूँगा, हमारे स्टॉक होगा पूरा। ठीक है गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी दूसरा अगर मानो कॉलेज रिव्यू चाहिए, किसी भी अगर दूसरे कॉलेज पर आपको रिव्यू चाहिए तो उसके लिए क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कौन सा कॉलेज रिव्यू आपको चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे बारे में देखते हैं इस कॉलेज में क्या कुछ है। कॉलेज में देख सकते हो यार, तुम फाउंड किया गया था 2008 में, मतलब ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, समझ सकते हो ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं होता तो क्या होता है, एलुमनाई उतना अच्छा नहीं हो पाता तो प्लेसमेंट कम ही होता है, लेकिन प्लेसमेंट ठीक ठाक है। ठीक है, कॉलेज अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, 2008 में हुआ था, 12 साल है, 12 साल में बहुत ही एलुमनाई बन गए होंगे इसके। ठीक है, तो एलुमनाई समझ सकते हो क्या होता है, एलुमनाई मतलब पिछले साल के बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए डिफरेंट कंपनी में जाते हैं, वही कंपनी चाहते हैं कि हमारे जिस कॉलेज से पढ़ा उसी कॉलेज के बच्चे प्लेसमेंट हो, इसलिए होता है एलुमनाई बहुत ही अच्छा है। टाइप एजुकेशन है, ठीक है, लखनऊ में कॉलेज है। उसके बाद जैसे 3000 प्लस स्टूडेंट्स है, 200 एकड़ में इसका एरिया है, 190 प्लस फैकल्टी, सारी जानकारियाँ गूगल से ली गई हैं। ठीक है, अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी AIIMT लखनऊ क्या है, वन ऑफ द पॉपुलर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज इन लखनऊ, 2008 में प्राइवेट कॉलेज इसको क्या किया गया था, बनाया गया, NH 56B के पास एक कॉलेज है। ठीक है, ये देख सकते हो स्टूडेंट लाइफ, ये देख सकते हो अफिलियेशन रिकॉग्निशन एंड अदर अचीवमेंट में देख सकते हो यार क्या हुआ है कि AIIMT लखनऊ क्या है, AK2 से तुम इसमें क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन की बात करेंगे इसमें, AK2 से एडमिशन ले सकते हो, कॉलेज रैंकिंग कट ऑफ सब कुछ देख बात करेंगे। चलो यार देख लेते हैं, एक बार प्राइवेट कॉलेज है, रैगिंग इन्वायरमेंट, रैगिंग तो सब जगह समय मना ही है, तो रैगिंग नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बच्चों के लिए। चांसलर्स प्रोफाइल, चांसलर देख सकते हो कौन है, ऑनरेबल श्री राम नाइक, ठीक है, इसके चांसलर देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ये वाइस चांसलर है विनय कुमार पाठक, देख सकते हो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है यहाँ के CEO है, ओवर 18 प्लस ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। कॉलेज की रैंकिंग बात कर लेते हैं, सबसे पहले भैया कॉलेज की रैंकिंग बता दीजिए, कॉलेज की रैंकिंग यार इस समय कॉलेज की रैंकिंग कुछ नहीं है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस समय जो अवार्ड इनको मिला हुआ है, अवार्ड से लगता है कि अच्छा कॉलेज है। ठीक है, लेकिन आप लोग एडमिशन लेने से पहले एक बार वहाँ के जो मतलब सीनियर्स हैं उनसे कम एक बार बात कर लीजिएगा, उन लोगों का आपको डिटेल्स मिल जाएगा, उनसे आप बात करके कॉलेज में जाइएगा, क्योंकि वही आपको कॉलेज की रियलिटी बता पाएंगे, हमको जितना तक पता चला है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ में 2012 में इसको अवार्ड मिला था बिग रिसर्च के बारे में, बिग रिसर्च द्वारा, और बेस्ट प्लेसमेंट एमंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश अवार्डेड बाय बिग रिसर्च। ठीक है, तो ये सब अवार्ड दिया गया था इसको। अब देख सकते हैं वाई अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वाई नॉट BBD, वाई नॉट मेनी अदर कॉलेजेस लाइक BBD, सो मेनी कॉलेजेस IIT लखनऊ, सो मेनी कॉलेजेस ऑफ लखनऊ, वाई अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यू शुड ज्वाइन, बिकॉज ऑफ इट इज अफिलियेटेड टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर अवार्ड किया गया था इंटरनेशनल अचीवर्स कॉन्फ्रेंस 2012 में, सो 2011-2012 में इसको बहुत सम्मानित किया था कॉलेज को, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेलेंस इन एजुकेशन 2018 में मिला था इसको, 2008 में क्या हुआ था एस्टेब्लिश हुआ था प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मोहनलालगंज में लखनऊ में एक कॉलेज है। कौन कौन से कोर्सेज है, क्या क्या फीस लगता है उस पर चलो बात कर लेते हैं एक बार। देखो यार कि बीटेक में जो फीस लगता है, वीडियो क्लास तो देखना है जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कभी भी हेल्प लगेगा कार्तिक जायसवाल हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे आपके, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, आपके लिए मैंने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कराया, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो यार, क्योंकि आपको मार्क्स लाना सबसे पहले जरूरी होता है, कॉलेज जरूरी नहीं होता, कॉलेज में सबसे पहले देखना चाहिए आपको कि NIT IIT क्या होता है, NIT IIT तरफ देखना चाहिए, NIT IIT नहीं मिलता तो इन सब कॉलेज में देखना चाहिए कि कौन सी कॉलेज अच्छा है। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो हमसे, कोई दिक्कत नहीं। बीटेक में देखो, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 4 साल का ये सब है, ये सब देख सकते हो, हर साल 90,000 के आसपास सब में फीस लगता है। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ECE, IT है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऐसे कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज हैं। देखो MTech भी है, MTech देख सकते हो, MTech मार्केटिंग, इसमें भी 90,000 एनुअली फीस लगता है आपका, 2 साल का कोर्स होता है MTech, डिप्लोमा 3 साल का कोर्स है, 50,000 के आसपास आपका फीस लग जाता है इसमें, देख सब कुछ है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल रोबोटिक्स 60 सीट है इसमें, इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इंजीनियरिंग में 5 ब्रांचेज है, मैकेनिकल, सिविल, IT, CS, ECE।
मैनेजमेंट कोर्स है, एमबीए में फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, दो दो साल का इस सबका ड्यूरेशन है। ठीक है, अब देखो फैसिलिटीज की बात करते हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है इसका। चलो ठीक है, तो देखो यार इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, बॉडी शॉट बना सकते हो, जिम है कोई बात नहीं है, जिम है। ठीक है, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, वाईफाई कैंपस है, ऑडिटोरियम बहुत ही तगड़ा है, लैब्स वगैरह सब कुछ है, बैंक एटीएम सब कुछ होता है, कंप्यूटर सेंटर, पोस्ट ऑफिस, सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। फैसिलिटीज की बात करेंगे, देख सकते हो बॉय हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जिम, जो सब बात किए हूँ वो सब यहाँ फैसिलिटीज तो अच्छा है। हमको देखना क्या है कि कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, रैंकिंग क्या रही है, कैसे कट ऑफ, कैसे एडमिशन ले सकते हो, चलो बात कर लेते हैं उसके बारे में। ये बात देख सकते हो कि AIIMT सेमिनार हॉल है, जिसको 3000 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पे बताया गया है इसमें। AIIMT कॉन्फ्रेंस रूम, अंबालिका इंस्टीट्यूट का कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, अकोमोडेशन, कॉलेज, कॉलेज ट्रांसफर के लिए क्या है, बसेज अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो यार देख लेते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, क्लासरूम्स है, लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी कैसे है भाई, क्योंकि लाइब्रेरी में बच्चे जाके पढ़ते हैं, लाइब्रेरी उन लोग का फ्यूचर डिसाइड करने वाला फैक्टर एक बन जाता है। तो लाइब्रेरी देख सकते हो, क्लासरूम देख सकते हो, क्लासरूम बहुत अच्छे अच्छे देख सकते हो, क्लासरूम बहुत ही तगड़ा बनाया गया है, लेबोरेटरीज, लैब्स हैं जिसमें तुम्हारे सब सब कंप्यूटर काम हो रहा है, वर्कशॉप्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, बेसिकली इंजीनियर्स को क्या चाहिए, वर्कशॉप लगने चाहिए, वर्कशॉप भी क्लासरूम लगने चाहिए, क्योंकि वहीं से हमको पता होता है वैसे असली इंजीनियर वहीं से बन के जाते हैं, असली इंजीनियर्स जो होते हैं। सेमिनार हॉल देख सकते हो, बड़ा सा सेमिनार हॉल 3000 स्क्वायर फीट का है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, कैफेटेरिया भी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देख सकते हो, वॉलीबॉल वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, मेस है, देख सकते हो हॉस्टल बॉक्स, 300 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी, बॉयज हॉस्टल का नेम क्या है, नेहरू के नाम से बॉयज हॉस्टल, 300 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है, और गर्ल्स हॉस्टल का नेम है इंदिरा। ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हो, बस वगैरह सब कुछ है, अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में, इस कॉलेज में हॉस्टल बॉक्स देख सकते हो, 4 सीटर रूम है, आराम से देख सकते हो कैसा कॉलेज है। जॉब प्लेसमेंट की बात करते हैं यार, भैया प्लेसमेंट के बारे में तो बता दो, प्लेसमेंट सबसे पहले जरूरी होता है, तो प्लेसमेंट देखो यार मैक्सिमम क्या था, 5 लाख के आसपास और एवरेज 2.5 लाख, उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं कर सकते MBA का, लेकिन कॉलेज को इसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो कॉलेज को इसको इम्प्रूव करना चाहिए, करेगा भी कॉलेज, इसमें देख सकते हो हाईएस्ट एवरेज पैकेज दिखा रहा है कि 8.5 लाख गया है, 3.5 लाख गया है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका प्लेसमेंट जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो ऐसे भी होते हैं पढ़ना कुछ मतलब कम होते हैं, कमजोर होते हैं, उनका प्लेसमेंट तो जाएगा भाई, उसी वजह से क्या हो जाता है 3.5 लाख का एवरेज पैकेज हो जाता है। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं, क्या क्या फीस है इस कॉलेज की, तो यार डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, बीटेक है, सब बात किया आपसे कि मतलब 4 साल में एक वैसे बताओ 90,000 फीस लगता है, 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 लाख 5 लाख के आसपास आपका क्या हो जाता है, फीस लग जाता है, डिप्लोमा का 2.5 लाख, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का 2.5 लाख, MBA का दे सकते हो 2 लाख के आसपास फीस लगता है, 2 साल का कोर्स होता है, सब में तुम कैसे एग्जाम से दे सकते हो, UPTU जो एग्जाम होता है उसका मैंने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया, आप तैयारी कर सकते हो उससे। ठीक है, तो UPTU क्या कर सकते हो, UPTU एग्जाम से आप कर सकते हो उसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, MTech रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, और BTech EC में है, और डिप्लोमा EC, बहुत सारे ब्रांचेज अवेलेबल है, सबका फीस अवेलेबल है, आप सब लोग देख सकते हो, IT में भी उतना ही फीस है, UPTU सब लोग तुमने एडमिशन ले सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उस पर चलो बात करें, कट ऑफ्स क्या क्या होती है चलो देख लेते हैं वो। ठीक है, तो कट ऑफ्स में देख सकते हो यार, ओपन में कितना गया था 6597, EWS में 6597, MBA का गया था कट ऑफ 2019 का कट ऑफ है, और जनरल में देखा जाए तो 70,000 के आसपास रैंक गया ECE का BTech में, CS का 2019 में कितना गया 81,621, PWD का 80,000-90,000 के आसपास रैंक गया है, 2019 में BTech IT का 81,000 कट ऑफ है गया था, सिविल इंजीनियरिंग में 80,000 कट ऑफ गया था, मैकेनिकल की बात करेंगे 81,141 81,141 कट ऑफ गया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेते हैं कि भाई एडमिशन कैसे मिलता है इसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम लोग को 45% मार्क्स चाहिए होता है, BTech में 45% मार्क्स होता है, और MBA में 50%, MTech पासिंग ग्रेजुएशन, BTech लेटर 45%, पॉलिटेक्निक 35%, पॉलिटेक्निक 35%, या तो बहुत ही मतलब जो एवरेज बच्चा हो या लेस देन एवरेज बच्चा हो वो भी आराम से क्या कर सकता है इसमें एडमिशन ले सकता है। ठीक है, क्योंकि 45% ही मांग रहा है इसमें। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, हमारे का इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी AIIMT लखनऊ, एडमिशन 2020 UG एंड PG एडमिशन रिजर्वेशन, देख सकते हो 10+2, इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या थी आप लोग को देख सकते हो कि 35% यहाँ पे क्या थी एलिजिबिलिटी थी, वेरियस MBA एडमिशन इज डन थ्रू अंबालिका इंस्टीट्यूट, एक AMAT टेस्ट होता है या UP2 स्कोर से ही इसमें एडमिशन क्या रहता है मिल जाता है आप लोग को। ठीक है, इतने सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और बात की हम लोग, BTech में 45% मार्क्स चाहिए होता है SC ST वालों को, और उसके लिए क्या होता है 10+2 में जनरल वालों को, UP बोर्ड से जो है CBSE बोर्ड से 50% मार्क्स होता है। चलो यार क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में कि हाइलाइट्स क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया जो है एंट्रेंस एंड मेरिट बेस्ड है, और क्या एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर MTech है, नेम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम क्या है BTech MTech UPSEE है,
डिप्लोमा बीटी जेईसीईएफ एग्जाम होता है, एमबीए में कैट एमएट होता है एग्जाम, ठीक है, एएमटी लखनऊ बीटेक एडमिशन 2020, ठीक है। इसमें देख सकते हो 50% मार्क्स मांगता है, जिसको हम बात किए हैं आप लोग को। बीटेक में देख सकते हो 5 कोर्सेज देते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, कंप्यूटर साइंस, आईटी भी उसमें होता है। 50% मार्क्स आपका मांगता है। एमटेक में भी क्या, बीटेक में 50% मार्क्स मांगता है और गेट स्कोर से आपका एडमिशन होता है, ठीक है। चलो यार बात कर लेते हैं और सब, ये सब देख सकते हो, सब बात किया हुआ है कि कितना आप लोग का लगता है, ठीक है। एमबीए में देख सकते हो, एप्लीकेशन प्रोसेस से बात कर लेते हैं कि देखो यार, एएमटी मान लो कि अगर आपको एडमिशन लेना तो एएमटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तुम लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो कि एएमटी फॉर्म फिल कर दो तो वहाँ पर तुम जाके क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एएमटी लखनऊ रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, 15% जो सीट्स होते हैं मैनेजमेंट कोटा, रिजर्वेशन फॉर मैनेजमेंट कोटा होता है, और उस स्टूडेंट्स को होता है जो ऑफलाइन ऑनलाइन का अलग अलग सीट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। स्कॉलरशिप क्या क्या अवेलेबल कराती है यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। अंबालिका इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, कैश प्राइजेज मेटोरियल, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने में तेज होते हैं, नीडी स्टूडेंट, जो फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड का सही नहीं होता है, उनको क्या करता है, कैश प्राइजेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं उसका अलग वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग चेक कराएं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि तुम्हारे लिए क्या चाहिए, ऑफर लेटर चाहिए था कॉलेज का, स्कोर जो जीएमएटी जो भी एग्जाम दे रहे हो वो चाहिए, स्टूडेंट वीजा का कॉपी चाहिए अगर अप्लीकेबल हो तो, और 10th बोर्ड का क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। मान लो जैसे एमटेक वगैरह कर रहा हो तो तुम डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट का मार्कशीट चाहिए होता है। फैकल्टी डिटेल्स देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी जो पीटीडी एमबीए पीएचडी करे हुए बहुत सारे फैकल्टी इसमें काम करते हैं। हॉस्टल की बात कर लेते हैं, हॉस्टल देख सकते हो 40,000-70,000 के फीस में बॉयज हॉस्टल लगता है, गर्ल्स हॉस्टल सेम फीस है, अच्छा इसका हॉस्टल फैसिलिटी है, ठीक है। स्कोप ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग यहाँ पर ठीक है, लेकिन और भी कॉलेज में जाने के, और इससे अच्छे अच्छे कॉलेज जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भी अच्छे कॉलेज में लेके आता रहूँगा आपके लिए। कंपनीज कौन कौन सी लीड करते हैं, चलो उसको बात कर लेते हैं। SCL, डिलॉयट कंसल्टिंग, टेक महिंद्रा, इंफोटेक, सिस्को, इसर, लिप्सिस, सैमसंग, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी विजिट करती हैं, अमेजन, रिलायंस वगैरह, बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी इसमें विजिट करती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनको क्या क्या है इनका देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट इनको देख सकते हैं, अपना नंबर है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.http://www.amt.edu.in, ठीक है, इस पर जाके तुम लोग क्या कर सकते, कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चलो यार फिक फैक्ट देख लेते हैं एक बार, प्राइवेट कॉलेज है, अफिलिएटेड है UGC, कोएड है कॉलेज, ठीक है, दोनों जेंडर कोई बात नहीं है। 2008 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 200 एकड़ कैंपस है, टोटल फैकल्टी 145 है, टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड 1794 है। सो गाइस ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी दिक्कत हो कार्तिक भैया को याद कर लेना एक बार, और कोई भी कॉलेज चाहिए आपको तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं जरूर आपका हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा हमेशा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।